जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये सामने माँ लक्ष्मी मंदिर है और ये नवरात्रों में बहुत ही सुंदर सजा होता है। ये परमानंद साइड वाली रोड पे है यहाँ पे, और इधर साइड चले जाएंगे तो हम बत्रा आ जाएगा। चले तो आज मैं आपको रामलीला ग्राउंड दिखाऊंगी जहाँ रामलीला होती है। ये मंदिर बंद हो चुका है और मंदिर के सामने ही यहाँ पे फल फ्रूट सबका नवरात्रों का सामान मिलता है। यहाँ पे ये देखिए मालाएं हैं, सब सामान मिलता है आपको, नवरात्र का सब मिल जाएगा। अब चलते हैं हम दशहरा ग्राउंड। दशहरा ग्राउंड में आज से नहीं, बहुत सालों से ही रामलीला होती हुई आई है और बहुत ही फेमस रामलीला है। यहाँ की रामलीला बहुत दूर दूर तक फेमस है और हम छोटे थे तो हम बहुत देखने आते थे यहाँ की रामलीला। उस टाइम यहाँ पे पास सिस्टम था कि पास जिसके पास होगा उसको एंट्री मिलती थी, तो उस टाइम हम पास लेके आते थे। और अभी तो मुझे ऐसी एंट्री मिल गई है। उस टाइम ग्राउंड पूरा खचा खच भरा रहता था, बहुत भीड़ रहती थी। और अभी भी मुझे ऐसा लगा कि खाली है, पर मैंने गार्ड भैया से पूछा था, वो कह रहे थे कि 9 बजे का एंट्री का टाइम है और 12 बजे ख़त्म हो जाती है रामलीला, तो अभी लोग आने बाकी हैं यहाँ पे। मतलब अभी भी भीड़ होती है खूब, पर यह कि अभी थोड़ा स्टूडेंट इलाका हो गया तो थोड़ा कम है। पहले क्रेज बहुत ज़्यादा था और यहीं पे ही दशहरा भी मनाया जाता है। यहीं पे रावण को जलाया भी जाता है दशहरे वाले दिन। अब मैं घर के लिए जा रही हूँ तो गार्ड भैया मुझसे कह रहे थे कि आप रामलीला देख के जाएं, तो मैंने कहा नहीं, मैं घर के लिए लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। किस दिन मैं आपको बत्रा साइड भी लेके जाऊंगी, वहाँ पे बहुत सारी कोचिंगें हैं और बहुत सारी दुकानें भी हैं किताबों की। वहाँ पे लोग दूर दूर से सपना लेके आते हैं, कोचिंग करते हैं, यहाँ पे रेंटों पे रहते हैं। और तो कभी दिखाऊंगी मैं आपको। अब मैं घर आ गई, मैंने आपको बताया नहीं कि नौमी वाले दिन झांझी मांगे जाते हैं, घर वालों से पैसे मांगे जाते हैं और उसके हम रेवड़ी गज्जक खाते हैं। गांव में तो सब इकट्ठा ही सबके घर जाते हैं, आरता करते हैं, सब करते हैं। वही मेरी तुलसी मैया है और ऊपर हमने बाबा का निशान लगाया हुआ है, श्याम बाबा का, ये देखिए। और प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर भी कर दो यार। और शुभ रात्रि।